मिनट की हो गई है, मैं कितना कट करूंगी कितना ऐड करूंगी आई डोंट नो, क्विकली इसको करूंगी। सो हाय वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे अनदर डेट। सब कुछ चेंज हो गया है लाइफ में और मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। और अभी मैं क्या कर रही थी, मैं आज थोड़ा सा लेट व्लॉग स्टार्ट करने का सोच रही थी। जिस दिन मैं बहुत जल्दी का सोचती हूँ उस दिन मैं लेट शिफ्ट हो जाती हूँ, और जिस दिन मैं सोचती हूँ थोड़ा सा लेट स्टार्ट करूंगी उस दिन मेरा मूड कि अभी मैं बैठ के कुछ क्लोथिंग और ये सब सेग्रीगेट कर रही थी। वैसे मेरे पास बहुत सारे कपड़े नहीं है यहाँ पे, आपको पता है कि बहुत ही लिमिटेड कपड़े हैं मेरे पास, सारी चीजें बहुत ही लिमिटेड है। अब मैं बार बार तो क्या बोलूं आपको कि बहुत ही लिमिटेड है। और अभी सबसे पहले जो आज की डेट है वो 9 जनवरी है, 10:25 टाइम हो रहा है। एंड सारी चीजें थोड़ा सा मैसी था, मैसी इन द सेंस किचन मैसी खत्म हो गया, आपको पता है बाहर कुछ है नहीं जो मुझे सेग्रीगेट करना है। अब आते हैं कपड़े पे। तो 2 दिन से मशीन लगी थी बट वो फोल्ड होने का टाइम नहीं हो रहा था, तो आज मैं बैठी हूँ, जितने भी कपड़े थे वो सारे किए और कुछ कुछ आयरन के थे, तो वो आयरन वाले भैया को कॉल किया है, तो वो शाम को ही आते हैं यहाँ पे, 7-8 बजे का उनका टाइमिंग है आने के लिए, तो वो उसी टाइम आएंगे देन वो लेके जाएंगे कपड़े। तो मैं क्या, हाँ मुझे कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं व्लॉग के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ आपको, कि किसी ने पूछा था सामान आपका कुछ डैमेज हुआ कि नहीं हुआ ले जाने में यहां वहां, तो यहां तो आपको पता है मेरे पास कोई सामान मैं लेके नहीं आई हूं, लेकिन हाँ वहां जाने में डैमेज क्या मेरा, कुछ एक चीजें हैं जो मिस हो गई थी। एक तो मेरे जो भी कॉट और गमले आपने देखे थे 2-4 ही थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, और उसमें एक एलोवेरा प्लांट था, एक तुलसी था, एक मनी प्लांट था, ऐसे करके 3 से 4 कॉट थे, तो वो मुझे नहीं वहां पे मिले हैं। गमले मेरे नहीं रिसीव हुए हैं क्योंकि उन्होंने बोला था कि इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, टूट फाट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो क्या होता है कि जब आप अपना सामान कहीं पे मूव करते हो तो आपको अग्रवाल पैकर एंड मूवर से हमने कराया था, आजकल काफी सारे हैं एंड सेम नाम से कम 6 से 7 जो थे, जब सर्च करोगे आप तो बहुत सारे आते हैं, बट हमने ओरिजिनल से किया था क्योंकि हमारा काफी बार सामान इधर से उधर हो चुका है, तो वो एक ही अग्रवाल पैकर एंड मूवर से जिनसे सामान कराते हैं, तो वो उस टाइम आके आपका सामान सर्वे करते हैं एंड एक कोटेशन देते हैं कि आपके सामान के अकॉर्डिंग इतना आपको पे करना है। देन उसके ऊपर आप अपने जितनी भी चीजें हैं आपकी, जो भी है टीवी फ्रिज सोफा जितना भी सामान है, आप जितनी भी उसकी उसका क्या बोलेंगे, बेसिकली उसका अमाउंट आप डिसाइड करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका इंश्योरेंस करवाना होता है। देन अगर वो इंश्योरेंस के इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो अगर कुछ डैमेज होता है इन केस, जैसे कि आपकी गाड़ी कहीं पे पलट गई, आपका सारा सामान डैमेज हो गया, तो मान लो आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो वो 10 लाख आपको रिफंड मिल जाते हैं। देन अगर आप विदाउट इंश्योरेंस ले जाते हो तो उनकी कोई गारंटी नहीं होती है, तो हमने इंश्योरेंस लिया था देन क्लेम नहीं किया है अभी भी, जैसे कि कॉट का उन्होंने नहीं बोला था। एंड मेरी 2 प्लास्टिक चेयर थी नील कमल की जो मैंने रिसेंटली ली थी, जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ना 2 चेयर ली है, उनकी रैपिंग भी नहीं हटाई है, तो सेम वही था कि हमारे यहाँ थोड़े एजेड लोग 1-2 लोग आते थे तो उनको थोड़ा सिटिंग में प्रॉब्लम होता था, तो उसकी वजह से 2 चेयर थे वो भी मिसिंग हो गई है। एंड डैमेज की बात करूं तो मेरा माइक्रोवेव भी साइड से थोड़ा सा, अब यार इतना सारा घर का सामान तो आपको पता है कि एक सुई धागा भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे मैनेज कर रही हूँ, थोड़ी सी दया दिखा रहा हूँ कि मतलब एक एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जैसे कि मेरा माइक्रोवेव था वो थोड़ा सा उसकी पेंट निकल गया था, बेसिकली डैमेज कुछ भी नहीं हुआ था, पैकिंग नो डाउट बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ये चीज आप ये है कि मेक श्योर अगर आपका कुछ ऐसी चीज है तो आप उसे खुद से पैकिंग कर लो। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी अगर कोई है कि जिसको बहुत ज्यादा कोई चीज है तो उनको अगर आप बोलोगे तो वो कर देते हैं, और उन्हीं के सामने भी आप करा लो, जैसे कि मेरी भगवान की कुछ मूर्तियां थी तो स्पेशली उन्हें अलग से कराया था, मेरे कुछ मेरा मेकअप का कुछ स्टफ था क्योंकि एक दो जब नॉर्मली जब हम रिसीव करते हैं तो डैमेज हो जाता है। एंड या तो यही प्रोसेस है, देन वहां पे सामान मुझे रिसीव होने में लगा था 3 to 4 days मतलब आपको पूरा ज्यादा से ज्यादा टाइम लेते हैं, इट मीन्स वो 1 वीक का बोलते हैं, लेकिन मुझे 4 to 5 days, 4th दिन हमारा सामान हमारे घर पे रिसीव हो गया था हमें। देन वो अनपैक भी करते हैं, पैक भी करते हैं, आप जहां भी उनको सामान रखवाना चाहते हो वो सब कुछ करते हैं, आपको कुछ भी करना नहीं होता है, जिन्होंने देखा है उनको पता होगा। तो बस यही है, तो जो भी मूव कर रहे हैं उन्होंने पूछा था तो इसके लिए मैंने बता दिया। तो मेरी कुछ नहीं मेरी काफी सारी चीजें हैं जो जो वैसे तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि इतनी सारी चीजों में थोड़ा बहुत तो मिसमैच अगर हम कैसे भी करके ले जाते तो होता। एंड बाउल थे कुछ कुछ मेरे होम सेंटर के जो मैंने रिसेंटली लिए थे, आई थिंक आपको पता भी होगा, तो ऐसे करके कुछ चीजें डैमेज हुई भी थी बट स्टिल ठीक है, इतना मैटर नहीं करता है, पूरा घर का सामान तो पहुंच गया वहां पे सेफ। और इसीलिए मैं अभी थोड़ी सी स्केयर्ड हूँ कि मैं फिर से यार अभी ये
सारा सामान लूं एंड यहाँ पे लेके आऊं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही अभी। चलो ये बहुत ज्यादा हो गया, जिनको भी होगी आई थिंक इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी, बाकी आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं पर्सनली आपको बता दूंगी कि क्या क्या है मैसेज करके बेसिकली। एंड नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, 10:30 बज गया है, बहुत ज्यादा बकबक कर लेती हूँ फिर लंबी लंबी सांसें लेती हूँ। तो आज मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के शावर लिया था, पूजा करी थी, चीजें थोड़ी सी अरेंज करी थी क्योंकि हमेशा डिले हो जाता था। अगर तो मुझे बाहर जाना होता था तो मैं फटाफट नहा धो के निकल जाती थी, घर पूरा ऐसे ही हो रहा था। और होपफुली आज मेरा सामान भी रिसीव होने वाला है, मैं मैसेज आ गया है मेरा बिग बास्केट से कि मुझे सामान देके जाएंगे आज वो 1-2 बजे तक, तो लेट्स सी आता है तो बहुत अच्छी बात है। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ खाना, तो थोड़ी देर में करती हूँ देन लेके चलती हूँ आपको किचन में। अभी जो टाइम हो रहा है 11:33 और मैंने आज सुबह बहुत ही थोड़े से ओट्स खाए थे, तो अभी मैं ये खा रही थी कुछ मंचिंग मंचिंग सा, भूख लग गई है, खाना बना नहीं है तो चलो बनाते हैं खाना। खाने में मैं क्या बनाने वाली हूँ, चलो किचन में चल के देखते हैं कि क्या बनाना है मुझे खाना। धूप है यार, धूप ही धूप है अच्छी खासी, जहां पे ठंड पड़ रही है बेचारे ठंड की वजह से हालत खराब है लोगों की। तो क्या बनाने वाली हूँ मैं, ये देखो जो बाहर मैंने खाया है ना खाना, अच्छा अब तो चश्मा हटा दूं, ये देखो ये देखो, ठीक ये तो ठीक हो गया, ये देखो ये और कुछ नहीं है, ये जो बाहर खाना खाती हूँ ना मैं ये वही है। खैर आपको ही पता है मैं क्या बता रही हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ, ओके तो यहाँ पे आटा ऑलरेडी लगा हुआ है मेरा, और मैं बनाने वाली हूँ मटर आलू की सब्जी, चपाती, पराठा बिल्कुल नहीं। एंड कल रात को मैं मतलब रेगुलरिटी हो ही नहीं सकती है कि मैं सोचूं कि हाँ परसों मैंने हेल्दी बढ़िया खा लिया, कल हमें कोई मिल गया बहुत लेट हो गए, फिर हमने क्या खाया था, हाँ डिनर के टाइम पे हमने खाया था पिज्जा, पिज्जा खाया था और मैंने बहुत टाइम बाद खाया था, मैंने आई थिंक महीने भर बाद ही खाया हुआ, लास्ट मैंने खाया था दिल्ली में, नोएडा में सॉरी, उसके बाद कल खाया था। क्या करूं मुझे है ना पिज्जा इतना पसंद नहीं है, लेकिन गार्लिक ब्रेड बहुत ही ज्यादा पसंद है, मतलब मैं आई लव इट, गार्लिक ब्रेड और उसके साथ जो चीज़ी डिप आता है विथ कोक, बहुत हो गई खाने की बातें, खाना बनाएंगे फिर तो खाएंगे, भूख लग रही है, चलो बनाते हैं खाना। तो चलो बनाते हैं खाना। चढ़ाई है कढ़ाई, और आप लोग बार बार पूछते हो ना कि ये वाले बर्तन जो लिए हैं तो इनमें खाना लग रहा है कि नहीं, आप खुद ही देख सकते हो कि अभी तक जो भी कुकिंग हो रही है मेरी, ये वही वाली कढ़ाई है एंड वही वाला पैन भी मैं मोस्टली यूज करती हूँ, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे लगा हो कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है। बट हाँ जब भी मसाला या कुछ फ्राई करना होता है तो उसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा स्लो रखना पड़ता है, अगर ऑयल थोड़ा ज्यादा लेते हैं नॉन स्टिक से, बाकी परफेक्ट है। देखो मैंने इतना ऑयल किया है, तो चुको इडली बनाते हैं मटर आलू की सब्जी। और जो आलू है ना इसको मैंने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि मुझे ऐसे ज्यादा एक अलग सा टेस्ट हो जाता है सब्जी का, इसलिए इस तरह से मैंने फोड़ के रखे हैं। बस मैं हींग जीरा और ग्रीन चिली से इसका तड़का लगाऊंगी, टमाटर के साथ पका के ये डालूंगी, सॉल्ट डालूंगी एंड कस्तूरी मेथी उसको थोड़ा सा क्रस्ट करके डालूंगी, दैट्स इट, बन गई मेरी सब्जी। अभी तो लग रही है मुझे भूख।
इतनी टेस्ट वाइज है ना इसका, इसलिए मैं जब सब्जी या ऐसा कुछ करती हूँ ना तो एग्जॉस्ट चलाती हूँ, फिर बोलना बंद कर देती हूँ क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा इसके लिए। तो यहाँ पे मेरी सब्जी और बस मैंने छोंक दी है, इसको मुझे 5 से 7 मिनट थोड़ा सा भूनना है। और दूसरे तरफ मैंने तवा चढ़ाया है, कस्तूरी मेथी जो है ना उसको थोड़ा सा भूनूंगी, थोड़ा सा जीरा भूनूंगी ऊपर से एंड इसमें डाल दूंगी। तो ये जीरा ऑलरेडी, सॉरी जीरा ऑलरेडी मैंने ये रखा हुआ है भून के और पीस के, क्योंकि जब भी रायता और कुछ बहुत ही क्विकली बनाना होता है ना तो मैं फटाफट से ब्लैक सॉल्ट, ये ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिली अगर डालना है तो, अदरवाइज मैं नहीं डालती इतना। और बस बूंदी डाल देती हूँ रायते वाली या कुकम्बर का, जिसका भी बनाना है, तो बहुत ही क्विकली हो जाता है इसलिए मैं इसको बना के ही रखती हूँ हमेशा। मोस्टली चीजें प्रिपेयर करके रखना किचन में थोड़ा सा इजी हो जाता है किचन के काम करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट ये पक गई है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी 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 पे कंप्लीट हो गया है मेरा लंच और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा से थोड़ा सा कम ही टाइम लगा है और थोड़ा सा बीच में एक दो कॉल आ गए थे, तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 12:30 के अराउंड टाइम हो रहा है, 12:36 हो रहा है बेसिकली, एग्जैक्ट 12:30 हो रहा है। तो अब मैं फटाफट से खाने जाती हूँ मेरा लंच, देन मेरा बिग बास्केट का भी मैसेज आ गया है तो सामान रिसीव होने वाला है। तो क्योंकि मैं खाती हूँ देन देखती हूँ क्या क्या आएगा, वो भी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो चलो खा लो आप लोग भी मेरे साथ आज घर का खाना फाइनली। और पता है इतने टाइम से मैं खाना नहीं बना रही थी, तो बनाने में टाइम नहीं लगता है लेकिन सोचने में आलस लग रहा था कि यार खाना बनाऊं या खा के आऊं या मंगा लूं क्या करूं। मैं चल नहीं यार ये जो थोड़ा सा एफर्ट है ना ये मार्केट कर लो, तो बस फाइनली बन गया है मेरा लंच, खाती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। हेल्पफुल है, कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इजीली इससे आपको जो भी चीजें आपको लेनी है आप अपने कार्ड में डाल सकते हैं बिग बास्केट की साइट पे जाके, देन आप अपना जैसे नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपको सेम डे डिलीवरी भी हो जाती है, 2-3 सेक्शन में भी डिलीवरी होती है। आप चाहें तो जैसे आज ऑर्डर किया है तो कल आपको आपका सामान रिसीव हो जाएगा। मुझे इसलिए थोड़ा 2-3 दिन का टाइम लगा क्योंकि मैंने खुद ने ही होल्ड करके रखा था, जिस टाइम पे मेरे डिलीवरी बॉय आता था उस टाइम में नहीं होती थी घर में, इसके लिए मुझे 2-3 दिन लगे हैं इसको। अदरवाइज इन जनरली मैंने कहीं से भी ऑर्डर किया है बिग बास्केट का तो जैसे अगर मैं मॉर्निंग में करती हूँ तो इवनिंग में मुझे मिल जाता है, इवनिंग यानी 10-11 o'clock तक ये सामान अपना आपको देते हैं डिलीवरी करते हैं। तो
अच्छा खाता बहुत ही क्विकली देते हैं बेसिकली ये है। सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है और कितने कम प्राइस में दिया है। तो इस तरह से एक पूरी लिस्ट देते हैं ये लोग आपको चेक करने के लिए, देन आप अपना सारा सामान चेक करते जाओ और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने लिया है, मैं क्विकली दिखाती हूँ, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो मैं फटाफट प्राइस और कैसी है वो बताती हूँ। और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो मैं ऑलरेडी 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि पहले मैंने इसके रिव्यू में पढ़ा था कि लोग बोलते थे कि एक्सपायरी सामान आपके यहाँ घर दे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब लेके आते हैं एट द टाइम आप इनकी जो डेट है वो भी चेक कर सकते हो, एक्सपायरी डेट कितनी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप रिटर्न कर दो, बट मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। और आपको मैं ऐसी लग रही हूँ क्योंकि मैंने खाया था खाना, और खाना खा के जस्ट मैं अपना काम करने लगी थी, तो मुझे लगा था 10 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, जाके मैं लेटी थी और मेरी बेल बज गई, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था अरे यार। और अब मैं लेट के सोना नहीं चाहती हूँ, तो मैंने सोचा क्विकली मैं आपके साथ भी इसे शेयर कर देती थी। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है जो वो है आशीर्वाद का आटा। वैसे हम यूज़ करते हैं उसका होल व्हीट नहीं, जो मल्टीग्रेन आटा, बट अभी मैंने ये वाला मंगाया है, उठेगा नहीं। ये देखो आप 10 kg है ये, और जो इसका प्राइस है वो तो देखने के लिए उठाना था मुझे, सॉरी मैं आपको ऐसे नहीं दिखा सकती कि प्राइस। हाँ, जो इसका प्राइस है इसमें है इसका प्राइस 490 रुपीज, और जो मुझे मिला है वो 389 रुपीज मिला है। इसी तरह से सारी चीजें मिली हैं। और अगर मैं लाती हूँ, मॉल जाती हूँ और चीजें लेके आती हूँ, एक तो मैं जाती हूँ इतनी एक्सरसाइज होती है वहां तक जाने के लिए, चीजें कलेक्ट करने के लिए, पूरा घूमने के लिए, और ऊपर से फिर अगर हस्बैंड के पास टाइम मिलता है तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग हो जाता है कि मैं सारा लूँ, फिर कैब करूँ, फिर यहाँ लाऊँ, फिर ओह माय गॉड, नहीं मैं नहीं कर सकती। तो ये फर्स्ट मैंने लिया एक आटा, और सेकेंड है पीनट्स। तो ये बिग बास्केट का ही पीनट्स का पैकेट है, और ये 45 रुपीज का है। यस 45 रुपीज का है, बट मुझे मिला है 25 रुपीज में, और जो इनकी क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है सोया चिक्पी। तो सोया चिक्पी जो है मुझे मिली है 28 रुपीज की, और इनका प्राइस है 32 रुपीज। एंड नेक्स्ट है शुगर। तो मेरे शुगर इतना सारा सामान है ना, ये शुगर, तो शुगर जो है वो है 1 kg 55 रुपीज की इसमें, और जो मुझे मिली है वो 41 रुपीज की मिली है। इलायची का पैकेट, इलायची का जो प्राइस है वो है 200 MRP, और जो मुझे मिला है वो 150 में मिला है, और कितनी 20 ग्राम से आई थी इलायची, थोड़ी सी है क्वान्टिटी में। इलायची के बाद है काबुली चना जो है वो है 190 रुपीज़ का, और मुझे मिला है 150 रुपीज का, 50 रुपए कम। मूंग दाल जो है, मूंग दाल स्प्लिट जो है वो है 35 रुपीज का, छोटा पैकेट है ये, और मुझे मिला है 29 रुपीज का। नेक्स्ट मिक्स दाल, तो ये मिक्स दाल है, और ये 69 रुपीज की मिली है, और इसमें प्राइस है 100 रुपीज, मतलब सीधे 50 रुपए का। मैं हर प्रोडक्ट पे सोच रहे हो कि अगर ये सामान 10,000 का हो तो मुझे 5,000 नहीं मिल गया, ऐसी वाली हालत है, 50% लग रहा है मुझे। तो ये हो गई मिक्स दाल। फिर अमचूर पाउडर, तो बाय मिस्टेक ये मेरा फॉल्ट था कि मैंने 2 अमचूर पाउडर डाल दिए थे, ये मुझे पड़ा है 38 रुपीज़ का, और जो इसमें प्राइस है वो 48 रुपीज़ है। तो ये 2 आ गए, बट मुझे एक ही लेना था पर वो रिटर्न भी नहीं लेगा, तो क्या करूँ मैं। तुअर दाल जो है वो, ये है तुअर दाल, इसका प्राइस है 89 रुपीज़, और मुझे पड़ा है 76 रुपीज़ का। और ये जो क्वालिटी में है ना, कि
ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो यूज भी कर चुकी हूँ तो खाने में भी काफी टेस्टी होती है ये वाली दाल। और अब पोहा, तो ये है पोहा। तो पोहा जो पड़ा है मुझे 58 रुपीज का, और जिसका प्राइस है वो है 80 रुपए, 8 रुपीज। एंड नेक्स्ट जो है वो है राजमा, राजमा ओके इतनी दूर दूर तक सामान फैला है मेरा। राजमा ये मुझे 38 रुपीज प्राइस है, और मुझे कहा गया 33 रुपीज का बना है। फिर क्या है, राइस फ्लोर जो इसमें मुझे 24 रुपीज का मिला है, और प्राइस है 30 रुपीज। तो ये है राइस फ्लोर एंड ऑयल। तो ये वाला ऑयल ये मैंने नहीं मंगाया था, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, बोल सकते हैं बाय मिस्टेक प्लेस हो गया हो, बट ये जो मुझे इसका प्राइस है, यूज ही हो जाएगा ये भी, इसका प्राइस है 108 और इन्होंने मुझे दिया है 105, ठीक है, विच इज गुड। और फिर है पोटेंट क्या, हाँ बासमती राइस, यस। तो ये राइस इंडिया के का बासमती राइस बिल्कुल टूटा नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, और इसका जो प्राइस है वो है 500 रुपीज, मतलब कि 495 है। और जो मुझे रिसीव हुआ है, मुझे रिसीव हुआ है 450 रुपीज का। वाह, इतना सस्ता मिल गया मुझे। फिर आ जाओ रोस्टेड सेवई पे, वो मुझे 84 रुपीज की मिली है, और जो प्राइस है वो है 91 रुपीज। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है क्लोजर, 65 रुपीज का मिला है, और जो इसमें प्राइस है 82 रुपीज प्राइस है। यह सारा बताऊं बहुत बड़ा हो जाएगा, पर आप लोगों में से ही मुझे कोई मैसेज, मतलब आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही बोरिंग सा हो जाता है ये वाला सेक्शन। मुझे दिखाने में भी ऐसा लग रहा है कि मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, ये बहुत ही बोरिंग एक कॉन्सेप्ट है कि क्या दिखाना है, बट स्टिल काफ़ी सारे लोगों को हेल्प भी होती है, और वो बोलते हैं कि अब जो भी चीज़ें हैं तो हमारे साथ शेयर किया करो। तो अगर जिसको भी नहीं देखना है तो वो स्किप 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 कर सकते हो यहाँ से, पर मैं दिखा देती हूँ ये सब। तो नेक्स्ट है फटाफट क्विकली हेयर सॉल्यूशन शैम्पू, तो वो शैम्पू ये है, और ये है 450 रुपीज़ का, बट मुझे पड़ा है 350 रुपीज़ का। तो ये है वो शैम्पू हेयर फॉल पेंटिन का, क्रीम ब्यूटी बाथ बार, ओके। सो डव मैं यूज करती हूँ, ये 128 रुपीज़ का पड़ा है, और इसमें प्राइस है 155। एंड नेक्स्ट है बीबी फ्लोर फ्लोर क्लीनर, ओके। फ्लोर क्लीनर जो है वो 89 रुपीज का है, तो ये फ्लोर और टॉयलेट दोनों के, सॉरी फ्लोर क्लीनर, तो ये कितने का है, 89 रुपीज का है, और मुझे मिला है 89 का ही मिला है, इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो ये दो हैं, दो मिले हैं मुझे, मैंने एक दिया होगा बट वो कर दिया होगा, तो बाय मिस्टेक बनवाए हैं। कॉलीन, तो कॉलीन मुझे मिला है 48 रुपीज का, और प्राइस है 58। नेक्स्ट कॉलीन के बाद एक्टिव थिन वेपर पैक, ओके, ये इसका प्राइस है 104 रुपए का, ओके, 34 रुपीज का है, बट 104 रुपए में मिला है मुझे। और दूसरा है वाइट डेंटल पाउडर, और ये अमचूर पाउडर है जो मुझे पड़ा है 44 रुपीज का, और इसमें 50 रुपए है। और काबुली चना इसका जो प्राइस है वो 32 रुपीज है, और मुझे पड़ा है 28 रुपीज में। नेक्स्ट डिटर्जेंट, ये दो पैकेट है, ओके, इनका प्राइस पता नहीं, मैं ऐसे लगा देती हूँ। इसमें ये पड़ा है मुझे 106 का, एंड ये पड़ा है मुझे
ये 95 का ब्रांड है। तो ये दोनों वॉशिंग पाउडर सफेद और बहुत सारा सामान है, वहां दिखाऊं सारा। फिर मैंने लिया है ये सैवलॉन जिसका प्राइस 99 दिख रहा है और ये पड़ा है मुझे 99 का ही। ये मेरे हस्बैंड यूज करते हैं ये वाला मैंने मंगा लिया और इसका भी प्राइस इसका प्राइस है, मैं बताते थक गई, आप लोग देखते देखते थक जाओगे इसलिए छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ 153 ये है और जो प्राइस है ये 153 का ही है। कुछ कुछ चीजों में आई थिंक नहीं होता होगा तो ये शो है दोनों। और ये जो क्या है 20-10 रुपए के होंगे। चाट मसाला है, कुछ कुछ चीजें और हैं जो कि अब मैं उनको रहने देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये जो वीडियो है ना 12 मिनट की हो गई है। मैं कितना कट करूंगी कितना ऐड करूंगी आई डोंट नो, क्विकली इसको करूंगी। सो ये मैं आई थिंक यहीं पे इसको फिनिश करती हूँ। काफ़ी सारी जो हाउसवाइफ्स हैं जिनको ये कैलकुलेशन या हर कोई चाहता है थोड़ी बहुत सेविंग हो जाए, तो वही है कि थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ अगर ऑफर और डिस्काउंट में ले लेती हूँ तो वही चीज़ है, तो मुझे ऐसी वाली शॉपिंग करके मजा आता है। आई होप आपको भी मजा आया होगा। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना ये इसकी वजह से हो गई है ऑलरेडी 13 मिनट की, अभी राइट अवे हो गई है प्लस मॉर्निंग टू अभी तक के लिए। सो इसको मैं यहीं एंड करती हूँ और जो भी स्टार्ट करूंगी वो नेक्स्ट वीडियो के साथ।